Welcome students in Subhash English School Mandsaur Class 9 Maths Chapter 10 Circle Part 2. We have done up to exercise 10.4. Now we continue from exercise 10.5. Question number 1. Book mein question number 1 hai. Figure yahan bana hua hai. Question aapko book mein select karna hai. In figure A, B and C are three points on circle. A, B और C three points इसके ऊपर और वे center O such that angle BOC equal to 30 degree. Angle BOC equal to 30 degree. Angle AOB equal to 60 degree. And to find हमको find करना है angle ADC. ये वाला angle हमको find करना है इसमें. अब given angle AOC equal to एंगल AOB प्लस एंगल BOC सॉल्व कर रहे हैं हम एंगल AOC निकाल रहे हैं हम यहां पर एंगल AOC किसके इक्वल आएगा एंगल AOB प्लस एंगल AOC इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो एंगल AOC आ जाएगा तो एंगल AOC इक्वल टू AOB की वैल्यू 60 डिग्री है वो लिखी हमने यहां BOC इक्वल टू 30 डिग्री लिखा है एंगल AOC इक्वल टू आ गया है 90 डिग्री अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको एंगल ADC फाइंड करना है ये वाला एंगल तो ये आर्क AB के सर्कमफेरेंस वाला एंगल है और ये सेंटर वाला एंगल है तो कल हमने पढ़ाया था आपको कि जो सेंटर वाला एंगल होता है उसका हाफ सर्कमफेरेंस वाला एंगल होता है तो इसी रूल के अकॉर्डिंग 10.8 थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल ADC इक्वल टू 1/2 एंगल AOC एंगल ADC इक्वल टू 1/2 एंगल AOC की वैल्यू हमने 95 फाइंड की थी वो लिखी यहां 2 से इसको डिवाइड किया हमने 45 पाया एंगल ADC इक्वल टू 45 डिग्री नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 बुक में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 रीड करना ये डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर इसमें क्या गिवन है हमको एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री एंगल OPR हमको फाइंड करना है एंगल O पी आर ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है अभी हमने रूल पढ़ा था कि जो सेम आर्क के अंदर जो सेंटर का एंगल होता है वो सर्कमफेरेंस का एंगल का डबल होता है ना और अगर सर्कमफेरेंस का एंगल है तो सेंटर के एंगल का हाफ होता है 10.8 थ्योरम के अकॉर्डिंग वही रूल हम यहां भी अप्लाई करेंगे हमको एंगल OPR फाइंड करना है इसलिए पहले हम एंगल POR निकालेंगे और एंगल POR निकालने के लिए हमको इसका रिफ्लेक्स एंगल POR निकालना पड़ेगा ये वाला रिफ्लेक्स एंगल बनेगा तो पहले हम रिफ्लेक्स एंगल निकाल रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल टू क्या आएगा 2 इनटू एंगल PQR बाय थ्योरम 10.8 2 इनटू PQR की वैल्यू 100 डिग्री है वो लिखी हमने यहां तो रिफ्लेक्स एंगल PQR हो गया 200 डिग्री का यहां से यहां तक का एंगल 200 डिग्री का आया है अब हमको अंदर वाला ये एंगल POR ये वाला एंगल फाइंड करना है किसी भी सर्कल के सेंटर पर पूरा एंगल 360 डिग्री का बनता है तो 360 में से रिफ्लेक्स को माइनस करेंगे तो उसका जो एंगल है वो आ जाएगा हमारे पास में तो ऐसे हम निकाल रहे हैं एंगल POR इक्वल टू 360 माइनस 200 तो ये बचा है 160 एंगल POR की वैल्यू 160 डिग्री आ गई है हमारे पास में अब हम इस ट्रायंगल के अंदर देख रहे हैं इन ट्रायंगल POR OP इक्वल टू OR रेडियस है दोनों सर्कमफेरेंस और सेंटर के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है ये दोनों इक्वल हैं और इस किसी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसलिए एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल POR OP इक्वल टू OR देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और इसको हमने x लेट कर लिया है अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री एंगल 1 को अपन ने x लेट कर रखा है एंगल 2 को x लेट कर रखा है और POR हमने अभी निकाला था 160 डिग्री का इक्वल टू 180 x और x हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 60 2x इक्वल टू 180 माइनस 160 देन 2x इक्वल टू 20 x इक्वल टू 20 अपॉन 2 2 से हमने इसको डिवाइड किया x इक्वल टू 10 आया है
मतलब एंगल ओ पी आर इक्वल टू कितना हो गया, एक्स था हमने लेट कर रखा था और एक्स की वैल्यू 10 आई है, तो एंगल ओ पी आर इक्वल टू 10। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पूरा आपको बुक में से रीड करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक तो फिगर बना रखा है पूरा। एंगल बी ई सी इक्वल टू 130 डिग्री गिवन है। एंगल बी ई सी ये वाला जो एंगल है 130 डिग्री का है। एंगल ई सी डी ये 20 डिग्री का एंगल है और हमको इसमें फाइंड करना है एंगल बी ए सी। अब सेम आर के एंगल इक्वल होते हैं इसलिए हमको एंगल बी ए सी फाइंड करना, तो हम एंगल बी डी सी फाइंड करेंगे। ये आर्क बी सी में बी डी सी एंगल भी है और आर्क बी सी में बी ए सी एंगल भी है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल बी ए सी फाइंड करने के लिए हमें पहले एंगल बी डी सी मीन्स एंगल डी फाइंड करना है हमको। अगर हम ये फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा। एंगल बी डी सी फाइंड करने के लिए हम यहाँ देखेंगे, ये ट्रेंगल बना हुआ है हमारे पास में ई डी सी। पहले डायग्राम में समझ लेते पूरा, फिर हम क्लियर कर देंगे उसको। लीनियर पेयर की हेल्प से हम एंगल 1 फाइंड कर सकते हैं। ये 130 डिग्री का है तो 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास में। फिर जब एंगल 1 आ जाएगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इन दोनों के एंगल के सम की हेल्प से हम एंगल डी फाइंड कर लेंगे और जो एंगल डी होगा वही एंगल ए होगा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल टू 20 डिग्री एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ई सी डी इक्वल टू 20 डिग्री ये गिवन है। इन ट्रेंगल ई डी सी ये ई डी सी एंगल लिया, उसमें एंगल 1 निकाल रहे हैं। अभी बताया था मैंने एंगल 1 इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस 130 बाई लीनियर पेयर। तो 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू हो गया 50 डिग्री का। इन ट्रेंगल ई डी सी एंगल 1 प्लस ई डी सी प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल 1 प्लस एंगल ई डी सी प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 150 डिग्री का है, अभी हमने फाइंड किया था। एंगल ई डी सी हमको फाइंड करना है। एंगल ई सी डी 20 डिग्री का है इक्वल टू 180। ई डी सी इक्वल टू 180, 50 और 20 प्लस करके उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। एंगल ई डी सी इक्वल टू 110 डिग्री। हमको एंगल बी डी सी फाइंड करना है, तो एंगल बी डी सी एंगल ई डी सी की इक्वल है और ये 110 डिग्री का है, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी एंगल इन द सेम सेगमेंट्स, देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू 110 डिग्री। नाउ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। If the non-parallel side of trapezium are equal, prove that its cyclic quadrilateral। हमको एक ट्रिपेजियम गिवन है। ट्रिपेजियम कौन सा होता है जिसकी टू साइड्स पैरेलल और टू साइड्स नॉन पैरेलल होती है। क्वेश्चन में गिवन है हमको कि ट्रिपेजियम है उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है वह इक्वल है। ये ट्रिपेजियम ए बी सी डी बनाया हमने, इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड है और ये दोनों इक्वल गिवन है और हमको प्रूफ करके बताना है कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। कोई भी क्वाड्रिलेटर साइक्लिक कब होता है, जब उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो। अगर हम इस एंगल में एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री ले आएंगे तो यह साइक्लिक बन जाएगा। सॉल्व करते हैं हम। गिवन इन ट्रिपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। प्रूफ करना हमको ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर और एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, हमने कंस्ट्रक्शन किया इसमें बी ई जो लाइन है वो हमने ए डी के पैरेलल ड्रॉ की है। ऐसा करने से क्या हुआ है कि यहाँ एक ए बी सी डी एक ए बी ई डी एक पैरेलोग्राम बन गया है और बी ई सी एक ट्रेंगल मिल गया है हमको। तो इनकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। जब बी ई सी एंगल बनता है तो ये दोनों साइड इक्वल है, जिसकी दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। ये एक पैरेलोग्राम बन गया तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आएगा। इसका हम यूज करते हैं आगे। इन क्वाड्रिलेटर ए बी ई डी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलोग्राम आर इक्वल, इससे इक्वेशन नंबर 1 बनेंगे। अब इन ट्रेंगल बी ई सी, बी ई इक्वल टू ई सी दोनों साइड इक्वल है उसकी, तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वेशन नंबर 2।
अब हमको पता है एक सीधी लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका टोटल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम डायग्राम में एंगल 2 और एंगल 3 दोनों पॉइंट ई पर बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है ये, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा बाईलिनियर पेयर, हम ये लिखते हैं यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब एंगल 2 जो है इक्वेशन नंबर 1 में एंगल 1 के इक्वल है, इसलिए एंगल 2 के प्लेस पे एंगल 1 लिख दिया हमने, और एंगल 4 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में एंगल 3 के इक्वल है, इसलिए 3 के प्लेस पे हमने 4 लिखा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री बाय 1 एंड 2 दोनों से लिखा हमने। देयरफॉर ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब इनसे रिलेटेड और सम जो हैं वो आपको होमवर्क में करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।